हेलो दोस्तों, एयर बाय सेल मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सीरीज मार्क कैसे अप्लाई करें। सीरीज मार्क जो एप्लीकेशन होता है वो जनरल एप्लीकेशन की तरह ही होता है, बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं, जो थोड़ा सा भी उसमें मिस्टेक हो जाता है तो हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि सीरीज मार्क होता कैसे है, होता क्या है, हम उसको फाइल कैसे करते हैं। अब सीरीज मार्क होगा क्या? वो कोई एक डिवाइस होगी। अब हम सीरीज से समझ क्या रहे? सीरीज का मतलब है कि मोर देन वन। भाई, जब तक दो चीजें एक में जोड़ेंगे नहीं तब तक सीरीज तो आप कह नहीं सकते। इसका मतलब है कि मिनिमम टू डिवाइसेस तो होंगी ही होंगी। जैसे एक मल्टी क्लास की हम बात करें, मल्टी क्लास का मतलब क्या होता है? यदि हम सिर्फ सिंपल एक क्लास की बात करें तो वो कोई भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 कोई हो सकता है। लेकिन मल्टी क्लास का मतलब है कि मिनिमम दो क्लास तो होंगी ही होंगी। तो हम इस एप्लीकेशन को बताएंगे कि हम सिंगल क्लास में कैसे फाइल करें, मल्टी क्लास में कैसे फाइल करें। इससे क्या पता, इस मल्टी क्लास और सिंगल क्लास इसी पे डिपेंड करेगा कि हमें अपनी एप्लीकेशन फीस कितनी पे करनी है। इसमें होता क्या है, यदि हम गलती कर देते तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी सीरीज में मार्क्स ज़्यादा होते हैं और हमारा जो वैल्यू कैलकुलेशन होता है वो कम होता है। वो क्या गलती होती है जिससे हमारे पर ऑब्जेक्शन आ जाता है? ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्शन आ गया तो फिर ऑब्जेक्शन में आपका वो कैंसिल हो गया ना, वो आपसे जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपका बनेगा वो आपसे क्वेरी में बोल देंगे कि आप इतना पेमेंट एक्स्ट्रा में पे करें। ठीक है, तो उसके लिए भी हम आगे एक वीडियो बनाएंगे कि इससे रिलेटेड या इसमें कौन सी क्वेरीज आती हैं जो आपको आफ्टर एग्जामिनेशन आपको फाइल करनी होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सीरीज ट्रेडमार्क हम कैसे फाइल करते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि आप एज ए प्रोपराइटर हैं तो आप अपना एप्लीकेशन कैसे फाइल करें। यदि आप एक अटॉर्नी एजेंट हैं तो आप एप्लीकेशन कैसे फाइल, बहुत ध्यान से देखिएगा। सीरीज मार्क है जरूर बड़ा इजी जैसे सिंपल होता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम मिस्टेक कर ही देते हैं, तो कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सी वीडियोस आएंगे, क्योंकि सीरीज मार्क में बड़े से बड़े जो एक्सपर्ट थे उनसे भी गलतियाँ हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम सिंपल न्यू फॉर्म फाइलिंग पे जाते हैं, TMA सेलेक्ट करते हैं। अब इसमें से जो भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। इंडिविजुअल करना है, स्टार्टअप करना है, स्मॉल इंटरप्राइजेस करना है, अदर करना है। आपको भी पता है कि इंडिविजुअल, स्टार्टअप और स्मॉल इंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आपके ऊपर जो फीस एप्लीकेबल होती है वो 4500 रुपीज़ होती है। यदि आप अदर कैटेगरी के में जाते हैं तो आपके ऊपर 9000 की फीस एप्लीकेबल होती है। तो हम इंडिविजुअल लेके चलते हैं कि हम इंडिविजुअल में कैसे फाइल करते हैं। हमने इस पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, ये ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, ये तो सिंपल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के लिए होता है फॉर्म, जो बाय डिफॉल्ट पहले से सेलेक्टेड होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, इस पे सेलेक्ट कर देना है सीरीज मार्क इन ए क्लास और मल्टी क्लास, या आप इस सिंगल क्लास में करें या मल्टी क्लास में फाइल करें, वो यहाँ पर हम कैसे दिखाते हैं। जैसे आप करते हैं, यहाँ पर देखिए 99 बाय डिफॉल्ट पहले से होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए मल्टी क्लास का चेकबॉक्स टिक होता है। यदि आपको अपना ट्रेडमार्क मल्टी क्लास में फाइल करना है, मल्टी क्लास का मतलब है हो सकता है आप क्लास 35 में भी करना चाहते हैं, 36 में भी करना, तो आपको यहाँ पर मल्टी क्लास सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यदि आप चाहते हैं सिर्फ एक ही क्लास में आप अपना ट्रेडमार्क फाइल करना चाहते हैं सीरीज ट्रेडमार्क, तो आप इसको अनचेक कर दीजिए। जैसे ही अनचेक करेंगे आपका क्लास यहाँ पर आपको फिल करने के लिए डिटेल आ जाएगी, आप किस क्लास में अपना एप्लीकेशन फाइल करना है। हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं 35, और हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करते ही ऐसा ही एक जनरल फॉर्म की तरह खुल के चला आता, आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए यहाँ पर नेम नेचर ऑफ एप्लीकेंट सीरीज हो गया। ठीक है, यहाँ पर यदि आप एप्लीकेंट, ये देखिए लॉगिन किसका है, ये प्रोपराइटर लॉगिन है, तो यहाँ पर आपका पहले ही से प्रोपराइटर नेम और ये डिटेल सब कुछ पहले से कोड और, तो आपको क्या करना है, सिंपल एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपका नाम पहले से नेम मेंशन है, आपका एड्रेस मेंशन है, मैं एग्जांपल की तौर समझ रहा हूँ दे रहा हूँ समझ लीजिएगा। आपको अपना स्टेट जो भी हो, हमने स्टेट अपना सेलेक्ट कर लिया, जो भी आपकी ईमेल आईडी, हम जैसे
जैसे मेरी ईमेल आईडी मैंने इसको यहाँ पे डाल लिया, आपका सिटी स्टेट कौन है कुछ भी आप डालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपना फ़ोन नंबर डालना है, डालिए नहीं डालना, डालना डालिए, सिंगल फर्म है ठीक है। उसके बाद हम इसको लीगल स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल है, मैंने इसको अपडेट कर दिया ठीक है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन सेव हो जाता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एड्रेस फॉर सर्विस, एड्रेस फॉर सर्विस जो आपके इसमें जो भी आपका एड्रेस पहले से आपने लॉगिन बनाते इसमें ऐड किया होगा वही एड्रेस अपने आप यहाँ पर आ जाता है। ये ऐड मत कीजिएगा, देखिए मैं ऐड कर रहा हूँ, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी ध्यान। और यदि आप इसको ऐड करना चाहें तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये है कि जो मिनिस्ट्री है वो आपके सर्विस एड्रेस पे ही कम्युनिकेशन करेगा। तो ये ध्यान रखिए आपके और अटॉर्नी वाले में कितना डिफरेंस है, मैं आपको दिखा दूँ। देखिए एड्रेस फॉर ये सबके में कॉमन होगा, ये भी सबके में कॉमन होगा, नीचे का सारा कुछ कॉमन होगा, बस अटॉर्नी वाले में अटॉर्नी की डिटेल्स का कॉलम एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है बस। तो हम ये आज पूरा प्रोसेस अटॉर्नी के लॉगिन में करेंगे। यहाँ तक तो मैंने बता ही दिया, यही एक मेन रहता है आपके लिए, बाकी जो भी कुछ होगा वो अटॉर्नी के लॉगिन में भी सेम वैसे ही कुछ होगा। आपको बस आपके जुडिक्शन आएगा, आपको यहाँ से ही फाइल करना है। अब हम जनरल लॉगिन में चलते हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है, हमें सीरीज मार, ये हमारा अटॉर्नी का लॉगिन है ध्यान रखिएगा, ये देखिए अटॉर्नी का लॉगिन लिख के आ रहा है अटॉर्नी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। हमें सिंगल क्लास करना था तो यहाँ पे हम 35 क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, सबमिट करके दिखा देंगे। अब यहाँ पर ऐड प्रोपराइटर डिटेल आएगी, ये देखिए ये अटॉर्नी का लॉगिन, तो इसमें मल्टीपल क्लाइंट्स के हमें एप्लीकेशन फाइल करने होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डिटेल फिल नहीं होती। आपका वो सिंगल लॉगिन होता है इसलिए आपकी डिटेल पहले से इसमें रहती। सपोज मैंने कोई भी एग्जांपल मैंने ले लिया, मेरा नाम मैंने ऐसे सौरभ सिंह नाम से ही मैं फाइल कर दे रहा हूँ ठीक है, ज़रूरी नहीं आप किसी के नाम से भी फाइल कर सकते हैं। एक्स वाई जेड मैंने यहाँ एड्रेस डाल दिया है, स्टेट मैंने कुछ भी ले लिया है, ईमेल आईडी भी मैंने कुछ ले ली है वो एड्रेस ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जा रहा है। ईमेल आईडी, स्टेट जो भी है आपका आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन नंबर आपको, लीगल स्टेटस क्या, इंडिविजुअल है, यहाँ पर हम इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करते ही क्या होता है, हमारी भी एप्लीकेशन आपकी तरीके से ही, देखिए आपकी तरीके से मेरी भी एप्लीकेशन सेव हो गई। अब देखिए एड्रेस फॉर सर्विस, यहाँ पे भी क्या है, एड्रेस फॉर सर्विस है, लेकिन उससे पहले क्या है, एप्लीकेंट्स एजेंट डिटेल, ये बस ऑप्शन नॉर्मल जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनके में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो उनकी पर्सनल लॉगिन होती है। तो ये एजेंट लॉगिन में तो एजेंट क्या करेंगे, जो भी जिस एड्रेस पे उन्हें कम्युनिकेशन करना है वो अपना एड्रेस यहाँ ऐड कर लेंगे, जो एड्रेस यहाँ सेलेक्ट करेंगे वही उनका एड्रेस फॉर सर्विस में आप बाय डिफॉल्ट होके चला आएगा, ध्यान रखिएगा ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होगा, हमारा ट्रेडमार्क एक डिवाइस होगा, हम उस डिवाइस को सेलेक्ट कर लेंगे। डिवाइस करने के बाद हम क्या करेंगे, अपलोड इमेज पे जाएंगे। अपलोड इमेज में हमने अपने ही ब्रांड का सीरीज मार्क बनाया है, जिससे हम आप दिखा सकते हैं कि सीरीज मार्क हम कैसे अपलोड करते, कैसे बनाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि सीरीज मार्क एक हम आपको छोटा सा बता भी देते हैं कि हम सीरीज मार्क को कैसे बनाते हैं। ये है हमारा सीरीज मार्क। सीरीज मार्क क्या होता है, एक ही डिवाइस होती है, एक ही लोगो होता है, लेकिन उसमें आपके नंबर ऑफ लोगोज होते हैं। अब क्या होता है, अब आप इसमें देख रहे हैं कि एयर बाइसेल ब्लू एंड येलो कलर में है, वाइट बैकग्राउंड के साथ है। दूसरा लोगो ये हो गया जिसमें क्या है, ब्लैक बैकग्राउंड है, येलो और ब्लू कलर में हमारा लोगो है। इसमें क्या है, ब्लैक एंड वाइट लोगो है, वाइट बैकग्राउंड के साथ। मतलब ये थ्री डिवाइसेस हो गए। ध्यान रखिएगा आपने यहाँ पर इस लोग डिवाइस में थ्री लोगो डिवाइस अप्लाई की है, और गलती हमारी सबसे ज़्यादा यहीं पे होती है। ये जरूर आपको पता चलना चाहिए कि आपने इस डिवाइस में, इस फोटो में कितने लोगो अप्लाई किए हैं। जितने लोगो आपने अप्लाई की उतनी ही फीस आपके ऊपर अप्लीकेबल होती है। ये नहीं कि आपने एक लोगो अपलोड किया तो एक फीस, नहीं, ये एक लोगो में तीन डिवाइसेस जा रही हैं। इसी को कहते हैं सीरीज मार्क। ध्यान रखिए, सीरीज मार्क समझ में आ गया आपको। तो अब हमारे क्या, इसमें थ्री लोगोज हैं, तो पहले हम बता देते हैं इसमें हम क्या लिखेंगे, एयर बाइसेल विद सीरीज मार्क।
दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सीरीज मार्क जरूर मेंशन कर दीजिएगा, चाहे ब्रैकेट में कीजिए या ऐसे लिख दीजिएगा, अदरवाइज ऑब्जेक्शन आने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं, ऑब्जेक्शन डाल देते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब थ्री हो गया। अब देखा जाए तो अभी हम गलती क्या होगी वो हम आपको बाद में बताएंगे। इसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर फीस कितनी कैलकुलेट होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर जो फीस है वो 4500 × 3 इतनी फीस होनी चाहिए, 13,500 फीस आपकी इस एप्लीकेशन की फीस होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पर इंग्लिश आपको यहां पर ध्यान रखना है कि आपके लोगों में किस लैंग्वेज में वर्क हुआ है। हमारी में तो इंग्लिश है, इनकेस यदि आपके में कोई और लैंग्वेज हो तो यहां पर वो आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप, जैसे सपोज कुछ भी आप, यही हमने सेलेक्ट कर लिया तो वो लैंग्वेज में सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद उसका इंग्लिश वर्जन क्या है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो वो इंग्लिश में आपको यहाँ पे मेंशन करेंगे कि उसको इंग्लिश हम ये बोलते हैं। सपोज हमारा ये, हम इसको थोड़ा ये लैंग्वेज तो हमको भी नहीं पता, चलो हम वही सुनते जो हमें गुजराती, जैसे एग्जाम्पल मैं डाल लेता हूँ गुजराती है। अब गुजराती तो हमें आती नहीं है, बहुत से हो सकता है एग्जाम में उनको गुजराती ना आती, तो वो कैसे आपके इसको एग्जाम पहचाने कि इसमें क्या मेंशन है क्या नहीं। तो आपको लिखना होगा, इसी को बस सिंपल सा लिख देना है, कॉपी एयर बाइसल मतलब इंग्लिश में इसको एयर बाइसल पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, यही इसका ट्रांसलिटरेशन है, ट्रांसलेशन यही होगा। ओके, तो हम इंग्लिश लेके चलते हैं क्योंकि हमारा ऑलरेडी पहले से इंग्लिश है, इसीलिए हम इसको इंग्लिश ही लेके चल रहे हैं। और इंग्लिश और हिंदी यदि है तो ये बाय डिफॉल्ट रहता है, इसमें आपको लैंग्वेज सिलेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये कंडीशन और लिमिटेशंस हैं, जो भी आप अपने लोगों पे कंडीशंस लगाना चाहते हैं या लिमिटेशन की आप दिखाना चाहते हैं कि जो हमारा ये डिवाइस है ये ब्लैक बैकग्राउंड के साथ येलो आई आइकन आई जो भी आपको मेंशन है, इस तरीके को ही हम अपना कंडीशन बना रहे हैं। ठीक है, इस टाइम में कुछ भी आप इसमें लिखिए, ये मैंडेटरी नहीं होता है। 35 क्लास में जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया। ऑब्जेक्टिव का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया, मैंने इसके लिए वीडियो भी बना रखा है कि ऑब्जेक्टिव का सिलेक्शन आप वेबसाइट से ही करें तो बेस्ट रहेगा, अदरवाइज छोटी छोटी मिस्टेक्स में क्वेरी आ जाती है और एडिशनल गवर्नमेंट फीस और प्रोफेशनल फीस चार्ज हो जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ कुछ भी लिख दे रहा हूँ अभी और अपडेट कर दे रहा हूँ। अब उसके बाद आया स्टेटमेंट टू यूज ऑफ मार्क, प्रपोज टू बी यूज्ड। आपको पता ही है कि आज के दिन से हमने एप्लीकेशन यूज अप्लाई किया, तो आज के दिन से ही हम इस लोगो को यूज कर रहे हैं, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यदि आपको लगता है कि ये आपका यूजर एफिडेविट है, यूजर का मतलब है कि आज से पहले से आप उस ट्रेडमार्क को यूज कर, हो सकता है कल से यूज कर रहे हैं या 10 दिन पहले से या 1 साल या 10 साल 50 साल जब से भी यूज कर रहे हैं, वो डिटेल आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको वो डेट यहाँ मेंशन करनी, सपोज हमने ये डेट डाल दी, तो ध्यान रखिएगा ये डेट सेलेक्ट करने के साथ आपको डॉक्यूमेंट्स में एफिडेविट अपलोड करना होगा। एफिडेविट जो भी स्टैम्प पेपर लगता है 100, 10 रुपीज़ 100 रुपीज़ की स्टैम्प पेपर पे, वो सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी कि हम इसको कब से यूज़ कर रहे हैं और ये सारा डिटेल उस पर मेंशन करना होगा। उसके बाद उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूर लगाना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाएंगे नहीं तो आपके ऊपर क्वेरी आ जाएगी। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या लगाना है वो भी मैं बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि आपने कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन ले लिया हो या आपने कोई MSME ले लिया, आपने कोई GST ले लिया हो, इस टाइप के कोई आपने कोई भी एक गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन ले लिया हो आज से 10 साल पहले और आपने कह दिया कि मैं 10 साल से यूज़ कर रहा हूँ, नहीं, इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस कब कंसीडर किसको किया जाएगा, आपने आज से जिस जो डेट, सपोज मैं इसी डेट को बता रहा हूँ 8/7/2020 को, इस डेट को या इससे पहले आपने अपने ब्रांड को पब्लिकली कैसे यूज किया। पब्लिक हो सकता है वो सोशल मीडिया पे कहीं यूज किया हो, हो सकता है आपने इनवॉइसेस जनरेट किए, सेल परचेज इस टाइप की, सोशल मीडिया हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, मार्केटिंग हुआ, वो भी डेट के साथ। अब हमने सपोज फेसबुक पे अपलोड किया, मैंने एक अपना अकाउंट बनाया और उस पर अपना लोगो लगाया, आपको पता है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि जो भी प्रोफाइल्स होती है वो अपडेट हो जाती है। 10 साल पहली प्रोफाइल में आप उसका नाम चेंज कर लीजिए, उसका लोगो भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने कोई उस अपने ट्रेडमार्क को पोस्ट कर दिया, चाहे अपनी ही सोशल मीडिया पे कर दिया या प्राइवेटली या इसी का स्पेशली आपने पेज बना के पोस्ट कर दिया पब्लिक में, वो पोस्ट तो आप एडिट कर नहीं सकते हैं। तो ये माना जाता है कि आपने इस ब्रांड को इस डेट से यूज किया और जिस डेट को पोस्ट किया है वो डेट डाले या उसके बाद की डेट डाले,
ये नहीं कि आपने एक दिन पहले डाल दिया लेकिन हमारा पोस्ट एक दिन बाद का है, नहीं कंसीडर नहीं होगा। जिस दिन का पोस्ट हो उसी दिन की डेट आपको यहाँ दिखानी होगी, चाहे आप सेल परचेज इनवॉइस दिखा सकते हैं, चाहे इस टाइप की। आप यहाँ से आपको ये क्लियर हो रहा होगा आपको क्या एफिडेविट में लगाना है। तो अभी हम प्रपोज टू बी यूज लेके चल रहे हैं, ठीक है। प्रपोज टू एनी अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट जो भी आपको मन करे आप इसमें मेंशन कर दीजिए, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें अटैचमेंट में जाना है। अटैचमेंट में क्या, यदि आप सिंगल प्रोपराइटर हैं, आप अपने आप लॉगिन कर रहे हैं, मतलब जैसे इस लॉगिन में हो रहा था कि आप प्रोपराइटर हैं, तो इस केस में आपको पावर ऑफ अटॉर्नी ऐड करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। और यदि आप एक हाँ सॉरी अटॉर्नी है, उस केस में आपको क्या करना होगा, पावर ऑफ अटॉर्नी अपलोड करना होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ और अपलोड कर दिया। अब यदि हमने यूजर एफिडेविट सेलेक्ट किया था, यूजर एफिडेविट समझ में आ रहा है ना हम किसकी बात करें, यदि ये सेलेक्ट किया होता तो हमको उस एफिडेविट को यहाँ पर अपलोड करना होता है। कहाँ पर है वो, अभी मैं दिखा, यूजर एफिडेविट सेलेक्ट कर लेना है और फॉर्म पे, जैसे यहाँ पे हमने कोई एक एग्जांपल में एक स्टार्टअप साइट सर्टिफिकेट कुछ भी हम एक तरीके से मान लेते, यही एक हमारा है यूजर एफिडेविट, मैंने इसको यहाँ पर अपलोड कर दिया और डन कर दिया। ये दोनों केस में अपलोड होगा, चाहे आप अटॉर्नी हो या आप एक इंडिविजुअल हो। सिर्फ पीओए का ही एक है कि अटॉर्नी होंगे तो पीओए और यदि इंडिविजुअल होंगे तो आपको पीओ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखिए पीओ का मतलब क्या होता है, एक किसी दूसरे को ऑथराइज करना है। जब आपने किसी को ऑथराइज किया नहीं तो पीओ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंपल सी बात, ठीक है। यदि ये अपलोड हो गया है, अच्छा एक बार अटैचमेंट में और भी हम कुछ दिखा देते हैं। यदि आप स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि आप अपने ट्रेडमार्क को इंडिविजुअल या एमएसएमई या स्टार्टअप की कैटेगरी में सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या करना होगा, यदि आप स्टार्टअप की कैटेगरी में सेलेक्ट, तो आपको यहां पर दिखा रहा होगा सर्टिफिकेट इंस्पेक्टर ऑफ स्टार्टअप इंडिया, आप स्टार्टअप सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड करना होगा। ध्यान रखिएगा इंडिविजुअल की कैटेगरी तो मुझे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, लेकिन आप स्टार्टअप सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर सेलेक्ट करके हमें स्टार्टअप का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। और यदि आपने स्मॉल इंटरप्राइजेस सेलेक्ट किया होगा उस केस में आपको यहां पर एमएसएमई सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ये चीज ध्यान रखिए। अब एक बार हम जरा बता दें, आपको हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हैं हम कहां की बात कर रहे हैं। जब हम स्टार्टिंग में ही टीएमए कर रहे होते हैं, ये सिलेक्शन, यदि आपने ये सेलेक्ट किया है तो इस केस में आपको स्टार्टअप स्मॉल इंटरप्राइजेस का सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैंसिल अपलोड कर देते हैं अभी क्योंकि हमें अपलोड नहीं करना। अब हम एक बार इसको सेव करके प्रीव्यू कर लेते हैं, प्रीव्यू कर लेते हैं। प्रीव्यू में देखिए क्या हुआ, प्रीव्यू क्यों करना जरूरी, कि हमें एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए जो मैंने इंफॉर्मेशन फाइल किया वो सही है या गलत है। ध्यान रखें नेचर ऑफ एप्लीकेंट सीरीज मार्क इन क्लास और मल्टी क्लास, ओके। एप्लीकेंट इंडिविजुअल सोल प्रोपराइटर, फीस 9000। 9000 क्यों लगी हमें, ऊपर तो फीस कैलकुलेशन आ रहा था 13,500। यही गलती है, बस वो गलती अभी हम बैक जाके बताएंगे कि यह 9,000 नहीं, यहां पर 13,500 होना चाहिए। और ये गलती हो जाने पर ही हमारे पर क्वेरी आ जाती है और उसके बाद हमसे कहा जाता है कि आप एडिशनल पेमेंट जो है इसको पे करिए। उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे कि आपके पर यह क्वेरी आ जाती है। इनकेस आप इसको सबमिट भी कर देते हैं और आपको अचानक याद आ गया कि मैंने तो फीस फिल ही नहीं की थी, सबमिट ही नहीं की, तो आप दोबारा वही फॉर्म डाल के आप चाहे क्वेरी आए उससे भी वही पेमेंट कर सकते हैं, या आपको क्वेरी से पहले भी आप उसके माध्यम से अपना एडिशनल पेमेंट कर सकते हैं। दोनों केस में एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो यहां पर आपका 13,500 होना चाहिए था, हम गलती बताएंगे। चलिए ये गलती एक हो गई है, समझ में आ रही है, ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन नंबर 1 है, नेम सौरभ सिंह, ये देखिए सब कुछ सही है। मोबाइल नंबर ये मैंडेटरी नहीं, सिंगल फॉर इंडिविजुअल सिंगल फर्म है, लीगल स्टेटस इंडिविजुअल है, नेचर एडवोकेट है, कैटेगरी डिवाइस है, सीरीज मार्क हमने मेंशन किया है कि नहीं किया है, सब कुछ किया है, लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश है, नंबर ऑफ मार्क्स, ये देखिए ये गलती की थी। ये गलती मैक्सिमम हो जाती है, होता क्या जब हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाता है, क्योंकि ये आप इस तरीके से इसको बनाया गया है कि सीरीज का मतलब तो मिनिमम 2 हो गई होगा, या मल्टी होगा तो मिनिमम 2 हो गई होगा, इस कैटेगरी को सोच के ये सब बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको यहां पर, जबकि आपके लोगों में कितना है, 1, 2 एंड 3, यहां पर 3 होना चाहिए था। ये गलती, अब ये गलती हम कैसे सुधारेंगे, आगे हम बताते हैं हम कैसे सुधारेंगे। ये गलती हम स्टार्टिंग में ही सुधार लेंगे कि हम ये गलती करें ही ना।
तो यूज़र एफिडेविट आप देख लीजिए, जैसे आप यूज़र एफिडेविट आपने अपलोड किया कि नहीं, यहाँ से आप वो चेक कर सकते हैं। आपका पीओ है वो आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे पीओ है, सब कुछ सही है तो ओके। और आपकी ये एरर है तो आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ गलती की है। वो गलती नंबर ऑफ मार्क्स, ये लिखा देखिए, ये मैंने देखा होगा आपने वीडियो जब मैं स्टार्ट कर रहा था, तो मैंने इसको छेड़ा नहीं था। यार इसका मतलब है कि ये बाय डिफॉल्ट पहले से ही टू मेंशन था, बस यहीं पर चेंज हमको करना होता। वन तो कभी हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि सीरीज मार गए तो मोर देन वन हो गई होगा। तो यहाँ पे हो सकता है, यदि यहाँ पर टू होता, यदि यहाँ से एक लोगो हटा दें, एक डिवाइस हटा दें, तब तो ये सही है टू। लेकिन थ्री हो, फाइव हो, फाइव सिक्स हो, सेवन हो, एट हो, नाइन हो, टेन हो, आपको उस हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर दें। इसी के बेसिस पे आपकी जो फीस होती है वो कैलकुलेट होती है। अब देखिएगा, मैं इसको अब सेव एंड रिज्यूम करता हूँ तो क्या होता, अब रिव्यू करिए देखिए, 13,500 फीस कैलकुलेट हो गई। इसका मतलब ये आप देखिए, नंबर ऑफ मार्क्स थ्री हो गए, ऑटोमेटिक फीस कैलकुलेट हो गई। यहां से एक चीज क्लियर हो गई। अब यदि आप इसको मल्टी क्लास में ले चलते हैं, मल्टी क्लास का मतलब है कि मोर देन वन, तब क्या होगा, आपका जो यहां पर ट्रेडमार्क क्लास हो रहा है ना, क्लास 35, यहां पे सपोज हम मानते क्लास 36 सेलेक्ट कर लें, तो यहीं पे एक क्लास 36 भी आ जाएगा और उसका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। तब ध्यान रखिएगा, एक डिवाइस पर एक क्लास में कितनी फीस एप्लीकेबल है, 13,500। यदि एक और क्लास हो जाएगी, उतनी ही फीस और कैलकुलेट होके आपकी यहां पर आज उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसका कैलकुलेशन बस ये होना चाहिए, आप जैसे ही वो बाय ऐड करेंगे ना, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, वहां आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो बस आपको बस यही ध्यान रखना पड़ेगा कि जितनी डिवाइसेस हैं, नंबर ऑफ मार्क्स भी आपको उतना ही मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या है, जब कुछ सब कुछ सही हो गया, अभी तो हमारे साथ, तो हमें क्या करना है, डिजिटली साइन इन सबमिट कर देना है। उसके बाद हम इसको साइन कर देते हैं। ओ साइन तो हम यहाँ से कर ही नहीं सकते क्योंकि क्रोम है, उसके लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर में हम जाते हैं, ड्राफ्टेड एप्लीकेशन पे जाते हैं, हमारा सीरीज फॉर्म है, क्लास 35 है, एक्शन एडिट। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, डिजिटली साइन कर देना होगा। डिजिटली साइन करेंगे हम, जो भी आपका, जैसे ही आप करेंगे आपका साइन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, साइनिंग आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही सपोर्ट करता है और पेमेंट क्रोम पे ही होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। जैसे ही हम डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, हमने क्या कर दिया, यहाँ पर अभी सबमिट हो जाएगा, थोड़ा बफरिंग हो रहा है। जैसे ही ये सबमिट हो जाता है, हमें पेमेंट के ऑप्शन में जाना होगा, वहाँ से हमें पेमेंट। अब देखिए आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन है, डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली फॉर एप्लीकेशन। अब हम पेमेंट्स पे जाएंगे, मेक पेमेंट। आपको आपको बता, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आपका पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा। अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं, मेक पेमेंट पे जैसे ही हम जाएंगे, वहां पे इंस्ट्रक्शन लिख के आ जाएगा खुद ही। जैसे हमने ये सेलेक्ट किया, मेक पेमेंट पे गए, आगे मेक पेमेंट पे प्रोसीड किया, लिखा ड्यू टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन भारत को पेमेंट गेटवे यूजर आर एडवाइज टू क्रोम वेब ब्राउजर। इसका मतलब हम यहाँ से पेमेंट नहीं कर सकते थे, तो हम सिंपल कहाँ जाएंगे, हम यहाँ पर जाएंगे पेमेंट में, ये हमारा क्रोम ब्राउजर है, मेक पेमेंट पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, प्रीव्यू एक बार फिर से देख लीजिए कि सब कुछ सही, एक बार क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी रहता है। उसके बाद मेक पेमेंट पे कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे ही हम सबमिट करेंगे, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब देखिए यहां पर एक्सेप्ट कर लेगा, ये देखिए है एक्सेप्ट लिया। तो आपको यहां से ये क्लियर हो जाता है कि हम सीरीज मार्क में क्या क्या चीजें ध्यान में रखें जिससे हमसे गलतियां ना हो। वो क्वेरी क्या हो सकती है, वो क्वेरी ये हो सकती है, जैसे अभी मैंने गलती की, ये क्वेरी हो सकती है, या आपने अपने एप्लीकेशन के साथ जो लिखा था ट्रेडमार्क में, एक बार मैं पेमेंट वाले उस पर जाता हूं, ये अब हमारा प्रीव्यू कर देता हूँ, भी एक बार सेव हो गया। हाँ, एक तो ये गलती हो सकती है कि हमने यहाँ पर जो ये है नंबर ऑफ मार्क्स, ये गलत प्रिंट कर दिया। दूसरी चीज़, हमने यहाँ पर सीरीज मार्क नहीं, तो ऐसी भी क्वेरी आ जाएगी कि फाइल TMM अपना कन्वर्ट डिवाइस कह सकते हैं कि डिवाइस टू सीरीज मार्क में इसको कन्वर्ट करें। दूसरा, जब फीस का पेमेंट किया, आपको इतना एडिशनल पेमेंट करना है, इसका मतलब है कि ये गलती तो जरूरी होगी, तभी एडिशनल फीस के लिए पूछ रहा है। तो अब हम इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि हम अपना एडिशनल फीस कैसे पे करें, या आपने
आपके ऊपर क्वेरी आई तब कैसे पे करें, या आपने क्वेरी से पहले ही आपको पता चल गया आपको फीस करना है, तो वो हम बताएंगे अगले वीडियो में। और यदि हमें क्वेरी आ जाती है कि ये गलत हो भाई नंबर ऑफ मार्क्स, ये भी तो गलत हो गया, फीस केयर कर देने से सोल्यूशन मिलेगा ना, तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए भी हम बताएंगे कि TMM में हम कैसे फाइल करें कि इसको 2 से 3 में कन्वर्ट है, और आपके ऊपर फॉर्मेटी चेक फेल का भी ऑप्शन आएगा। तो हम ये सारे वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सारी चीज़ें कैसे होते हैं। दोस्तों यदि वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा, और यदि आपका फिर भी यदि कोई क्वेरी आ रही तो आप कमेंट में हमें कमेंट देके बता सकते हैं, हम आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर देंगे। और आपको लगता है कि मुझे इस पर वीडियो चाहिए, इस पर वीडियो, तो आप कमेंट में हमें बता दिए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।